नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल एस के पी सी एम ट्यूटोरियल पर। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि पिछली वीडियो में हमने एक सेट कंप्लीट कर लिया है कक्षा 12 के रसायन विज्ञान को, जो कि यूपी बोर्ड से है। एंड दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम दूसरे सेट के बारे में यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। एंड दोस्तों, ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, प्रीवियस ईयर में पूछा गया सेट है, 2023 में आया हुआ है। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, एक पेन लेना है और एक पेपर लेना है या फिर कॉपी लेना है, उसमें दोस्तों सारे क्वेश्चन को नोट करते हुए चलना है। एंड दोस्तों, क्वेश्चन नोट करने से पहले थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन है, उसको मैं बता देना चाहता हूँ। दोस्तों, जितने भी क्वेश्चंस हैं जिन पे स्टार लगे हुए हैं, वो सभी दोस्तों आपके सिलेबस से हटा दिए गए हैं। दोस्तों, निर्देश में अब आइए हम दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। और यहाँ से दोस्तों सबसे पहले हम निर्देश से ही शुरू करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है रसायन विज्ञान लिखा हुआ कक्षा 12। समय आपको देखने के लिए 3 घंटे 15 मिनट मिल जाता है। और यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि सेट 1 हमने करवा लिया है, सेट 2 अब यहाँ पे है जो कि 2023 में पूछा गया, पूर्णांक 70 है। उसके बाद दोस्तों है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को पढ़ने के लिए निर्धारित है प्रथम प्रश्न पत्र के अनुसार। तो फिर दोस्तों यहाँ पे आपको बता देना चाहता हूँ कि जितने भी क्वेश्चंस आपको दिए हुए रहेंगे, वो चाहे यहाँ इस पेपर में सेट में हो या फिर आप एग्ज़ाम देने जाते हो, तो उसमें दोस्तों जितने भी मतलब क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उनका जो एक्चुअल मार्क होगा, यानी कि कितना आपको मैक्सिमम मार्क मिल सकता है उसका, तो वो दोस्तों आपका उसके सामने जो है नोटेड रहेगा। चलिए, उसको मैं बताता रहूँगा आगे, आप जो है नोट करते हुए चलेंगे। सबसे पहले दोस्तों आपको बहुविकल्पी प्रश्न यानी कि ऑप्शनल आएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जिन जिन पे दोस्तों स्टार लगा है उन पे हमें बात ही नहीं करनी है, जिन पे दोस्तों नॉर्मल है वही के जो है सिलेबस में है एंड वही आएगा। तो चलिए दोस्तों, हम पहले प्रश्न से यहाँ से शुरू करते हैं जो कि बहुविकल्पी है। तो है कि साधारण ताप पर सल्फर का सूत्र होता है, अणुसूत्र है, साधारण ताप पर सल्फर का अणुसूत्र है। दोस्तों, इस क्वेश्चन का आप देख सकते हैं कि ऑप्शंस हैं कि S2, S4 एंड S6 एंड S8। दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा S8, साधारण ताप पर सल्फर का अणुसूत्र दोस्तों यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट में है कि खाद्य पदार्थों में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है। खाद्य पदार्थों में प्रयुक्त होने वाली दोस्तों गैस कौन सी है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑप्शन हैं हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन। दोस्तों, खाद्य पदार्थ जितने भी पैकेट वाली मतलब डिब्बा बंद वाली चीज़ें होती हैं, उनमें दोस्तों नाइट्रोजन यूज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ से राइट हो जाएगा। तो दोस्तों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो है कि विशिष्ट चालकता की मात्रक है। दोस्तों, ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड आप देख सकते हैं कि 1 मार्क इन जो ऑप्शंस हैं इनके दोस्तों 1-1 मार्क यहाँ पे आपको ऐड होंगे एंड 6 दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे टोटल आपको बहुविकल्पी से। दोस्तों, विशिष्ट चालकता की परिभाषा और या तो फिर उसका मात्रक या फिर दोस्तों उसकी विमा जरूर पूछा जाता है किसी न किसी एग्जाम में। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑप्शंस हैं कि ओम इनवर्स, सेमी स्क्वायर, मोल इनवर्स, ओम इनवर्स सेमी की पावर -2, मोल इनवर्स, उसके बाद ओम इनवर्स, सेमी स्क्वायर, मोल स्क्वायर या फिर ओम सेमी स्क्वायर, मोल इनवर्स। दोस्तों, विशिष्ट चालकता की जो मात्रक होती है दोस्तों वो ओम इनवर्स, सेमी स्क्वायर, मोल इनवर्स होता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 8 इसका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि वैद्युत अपघट्य पदार्थ नहीं है। वैद्युत अपघट्य दोस्तों इसमें से जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं तो उनमें से कौन सा नहीं है। तो ऑप्शन है यहाँ पे सोडियम क्लोराइड या फिर आपका यहाँ पे ये लवण है NaCl या फिर यूरिया या फिर अमोनियम नाइट्रेट या फिर नाइट्रिक अम्ल। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूरिया दोस्तों एक वैद्युत अपघट्य पदार्थ नहीं है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बाकी जितने भी आपके यहाँ पे सोडियम क्लोराइड या फिर अमोनियम नाइट्रेट या फिर नाइट्रिक एसिड ये दोस्तों वैद्युत अपघट्य पदार्थ हैं, यहाँ पे यूरिया नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं जो कि अब आपका 2-2 मार्क्स का होना, यानी कि दोस्तों अति लघुत्तरी, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन होने वाला है, 2-2 नंबर का। तो आपको यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 जो क्वेश्चन हैं वो स्टार वाले हैं, तो आपको वो उनको नहीं करना है। नेक्स्ट है जो आपको करना है वो है कि प्रतिपरासरण का उदाहरण सहित अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो दोस्तों, ये भी जो क्वेश्चन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड चलिए मैं यहाँ पे आपको ओरली बता देता हूँ। अगर आप सुन सकते हैं अच्छे से वॉइस को मेरी, तो आप जो है इसको जो है अपने नोटबुक में लिख लीजिए। तो चलिए दोस्तों, प्रतिपरासरण का उदाहरण सहित अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो सबसे पहले दोस्तों हम जान लेते हैं कि प्रतिपरासरण होता क्या है। दोस्तों, इसका आप लिख सकते हैं, विलायक एवं विलयन को अर्धपारगम झिल्ली द्वारा अलग कर विलयन पर अधिक दाब लगाकर विलायक के अणुओं का विलयन से विलायक की ओर जाना प्रतिपरासरण कहलाता है। इसका उपयोग समुद्री पानी को पीने योग्य बनाने में किया जाता है। ओके, एक बार फिर से दोस्तों आप सुन लीजिए, उसके बाद लिख लीजिए, विलायक एवं विलयन को अर्धपारगम झिल्ली द्वारा अलग कर विलयन पर अधिक दाब लगाकर विलायक के अणुओं का विलयन से विलायक की ओर जाना प्रतिपरासरण कहलाता है। इसका उपयोग दोस्तों साल्टेड जो पानी होता है उसको दोस्तों नॉर्मल बनाने में किया जाता है। चलिए, अब हम नेक्स्ट की बात कर लेते हैं जो कि दूसरे के घ का पहला है।
वो है कि बेंजल्डिहाइड के नाइट्रीकरण में प्रयुक्त होने वाला इलेक्ट्रोफाइल का नाम और सूत्र लिखिए। तो बेंजल्डिहाइड के नाइट्रीकरण में प्रयुक्त होने वाला दोस्तों जो इलेक्ट्रोफाइल होता है उसका नाम होता है नाइट्रोनियम आयन। नाइट्रोनियम आयन यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नाइट्रोनियम आयन इसको लिख लेंगे दोस्तों। एंड उसके सूत्र की बात कर ले दोस्तों तो उसका सूत्र होता है सूत्र यहाँ पे क्लियरली लिख देता हूँ नीचे इसका दोस्तों जो सूत्र होता है NNO2 के ऊपर दोस्तों पॉजिटिव चार्ज। एंड फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको एक स्लैश लगाना है एंड उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ऑक्सीजन रहेगा फिर उसके बाद दोस्तों इजक्ल टू यहाँ पे फिर N उसके ऊपर दोस्तों पॉजिटिव चार्ज एंड फिर दोस्तों यहाँ पे आपको डबल बॉन्ड लगाना है एंड यहाँ पे आपको नॉर्मल ऑक्सीजन रखना है। तो ये होता है दोस्तों आपका नाइट्रोनियम आयन का सूत्र। एंड चलिए दोस्तों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें तो है कि एक डाइसैकेराइड का नाम तथा अणुसूत्र लिखिए। डाइसैकेराइड का नाम कोई भी एंड उसका अणुसूत्र आपको लिखना है। तो डाइसैकेराइड में दोस्तों सुक्रोज आता है सुक्रोज एंड उसका दोस्तों जो फार्मूला होता है वो होता है C12H22 चीनी का सूत्र होता है दोस्तों एंड यहाँ पे O11। तो ये डाइसैकेराइड में आता है एंड इसका ये रहा फार्मूला और नाम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं दोस्तों। अब की बात दोस्तों इसमें काफ़ी ज़्यादा सरल क्वेश्चन पूछे गए थे तो आपको जो है आराम से इन सभी को लिख लेना है। चलिए यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। उपसंयोजी तथा द्विक लवण में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये दोस्तों आपकी बुक में आराम से मिल जाएगा, आप इसको खोज करके लिख लीजिएगा। दो नंबर का ये क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आप पूछ रहा है कि NiCN4 डबल माइनस में NI पर संकरण समझाइए। तो दोस्तों ये क्वेश्चन लिगेंड से है एंड यहाँ पे पूछ रहा है कि इसमें कौन सा संकरण होगा, SP होगा, SP2 होगा, SP3 या फिर कौन सा होगा। दोस्तों यहाँ पे ज़्यादा डिटेल में न जाते हुए मैं डायरेक्ट आपको यहाँ पे आंसर बताता हूँ और आपको आंसर लिखना ही है। इसमें दोस्तों SP3 संकरण होता है। SP3 यहाँ पे जो आपका सेंट्रल मेटल है उस पे दोस्तों NI पे आपका SP3 संकरण है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। तो है कि प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल का सूत्र लिखिए। दोस्तों यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल का सूत्र लिखिए। दोस्तों अर्ध आयुकाल का सूत्र जो होता है प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए वो होता है T हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपान के। तो ये होता है दोस्तों प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए सूत्र आपका अर्ध आयुकाल के लिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो है कि यहाँ पे तीसरे का घर K4Fe CN6 में Fe की ऑक्सीकरण संख्या तथा समन्वयन संख्या बताइए। तो चलिए दोस्तों हम यहाँ पे आपको बता देते हैं। तो दोस्तों K4 में Fe की ऑक्सीकरण संख्या +2 होगी एंड यहाँ पे दोस्तों जो इसकी समन्वयन संख्या होगी वो होगी 6। तो समन्वयन संख्या 6 हो जाएगी और यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या +2 हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट है कि प्रथम कोट की अभिक्रिया में 100 मिनट पश्चात किसी पदार्थ को सांद्रण अपने प्रारंभिक सांद्रण का 99% विघटित हो जाता है। अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। 3 नंबर का दोस्तों यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए यहाँ पे दोस्तों इसका जो आपको आंसर मिल जाएगा, आंसर यहाँ पे मैं बता देता हूँ दोस्तों। तो यहाँ पे 0.04606 सेकेंड इनवर्स इसका दोस्तों मात्रक हो जाएगा, सेकंड इनवर्स। तो आप इसको सॉल्व करिएगा, नहीं आता है तो आप कमेंट करिएगा। मैं टेलीग्राम चैनल पे इसका जो है दोस्तों प्रॉपर सॉल्यूशन अभी के लिए दोस्तों यहाँ पे बस केवल आपको आंसर दे देता हूँ मैं। चलिए यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। तो है कि निम्नलिखित का अर्थ स्पष्ट कीजिए। ये दोस्तों इस टाइप के दोस्तों क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पहला जो है चालकत्व आपको जो है डिफाइन करना है एंड है दूसरा की सेल नियतांक। तो चलिए यहाँ से दोस्तों चालकत्व आप जो है चालकत्व दोस्तों किसी भी जो होता है लाइक जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं उनमें दोस्तों चालकता होती है, उनमें दोस्तों जो है करंट फ्लो होता है तो वो जो उनकी प्रॉपर्टी होती है वही होता है दोस्तों उनका चालकत्व। सेल नियतांक की चलिए हम डेफिनेशन जान लेते हैं। तो सेल नियतांक होता है दोस्तों वैद्युत अपघट में इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी L एवं इलेक्ट्रॉन के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A के अनुपात को सेल नियतांक कहते हैं। सेल नियतांक का दोस्तों जो फार्मूला होता है सेल नियतांक का फार्मूला दोस्तों होता है L बाई A। यहाँ पे दोस्तों L जो है वो वैद्युत अपघट में इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी है और जो A है वो इलेक्ट्रॉन के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है।
चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है कि जो कि आपको यहाँ पे नहीं करना है, ये पहले वाले शायद चैप्टर से है इसलिए इसको नहीं करना है। चलिए नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट है दोस्तों कि 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर यूरिया अड़ुभार यहाँ पे इसका 60 है कि 50% वेट बाई वेलोसिटी जली विलयन का पराशरण दाब ज्ञात करना है। दोस्तों आर की वैल्यू आपको यहाँ पे वायुमंडल केल्विन इनवर्स लीटर वायुमंडल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स पे दिया हुआ है। ये दोस्तों 3 नंबर का क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व करिएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पे आपको आंसर दे देते हैं इसका, आप इसको सॉल्व करिएगा एंड आंसर से मैच करा लीजिएगा। अगर आप आता है तो ठीक है, नहीं तो टेलीग्राम चैनल पे दोस्तों मिल जाएगा इसका पूरा प्रॉपर सॉल्यूशन। तो पराशरण दाब यहाँ पे दोस्तों जो पराशरण दाब यानी कि पाई की वैल्यू जो आएगी यहाँ से दोस्तों, पाई की जो वैल्यू आएगी दोस्तों पाई इक्वल टू यहाँ पे आएगा आई सी आर टी एंड इसका जो मतलब वैल्यू आएगा आप इसे यही फार्मूला लगाइएगा, इसका आएगा 25.52 atm एटमॉस्फेयर प्रेशर। तो दोस्तों ये रहेगा आपका जो है आंसर। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। तो है कि डी ब्लॉक के तत्वों की किन्हीं 4 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। ये दोस्तों काफ़ी ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है एंड आप देख सकते हैं कि 4 उल्लेख करने पे आपको 4 नंबर मिल जाएगा। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ज़रूर से ज़रूर इसको मैंसन कर लेना है। आपको डी ब्लॉक के तत्वों पर रिलेटेड दोस्तों आपको कम से कम 7-8 जो है उसकी प्रॉपर्टी जो है आपको उनके लक्षण जो है याद कर लेने हैं, तो उनमें से ज़रूर आपको 4-5 लिखने के लिए आ जाएगा आपके एग्ज़ाम में। तो आप जो है इसको खोज करके लिख लीजिएगा। चलिए यहाँ से दोस्तों नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। तो है कि फिनाल अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है लेकिन एथेनॉल लगभग उदासीन होता है, क्यों? दोस्तों इसका भी आप आंसर जो है खोज करके लिख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। हमारे पास दोस्तों टाइम नहीं है, बस हम आपको यहाँ पे केवल आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड करा दे रहे हैं। एंड यहाँ पे नेक्स्ट है कि ग का पहला यहाँ पे इस जो है यहाँ पे जो दिया हुआ है उसका दोस्तों आपको IUPAC नाम लिखना है, CS3, CS2, OCS2, CS2, CS3 का दोस्तों IUPAC नाम लिखना है। तो चलिए यहाँ पे दोस्तों हम इसका जो है आपको फटाफट से बता देते हैं IUPAC नाम। इसका नाम है दोस्तों 1-ethoxypropane। तो दोस्तों इसका जो IUPAC नाम हो जाएगा 1-ethoxypropane। ओके तो ये रहा दोस्तों 1-ethoxypropane। चलिए नेक्स्ट की चलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपका देख सकते हैं कि डॉटेड स्टार वाला है तो इसको आपको नहीं करना है। उसके ग का तीसरा आप देख सकते हैं, तो तीसरा आपको ये करना है। तो है कि 0.1 मोल यूरिया तथा 0.1 मोल NaCl विलयन में किसका पराशरण दाब अधिक होगा, कारण स्पष्ट कीजिए। दोस्तों यहाँ पे चलिए हम जान लेते हैं कि किसका पराशरण दाब ज़्यादा होगा। तो दोस्तों NaCl का जो पराशरण दाब होगा वो यूरिया से ज़्यादा अधिक होगा, क्योंकि दोस्तों ये साल्टेड है तो इसका जो है आप पराशरण दाब जो होगा वो दोस्तों ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे 0.1 मोल NaCl का पराशरण दाब दोस्तों ग्रेटर होगा 0.1 मोल के यूरिया से, ठीक। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों आपको ये करना है एंड इसके लिए आपको यहाँ पे 2 नंबर अलर्ट होगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि एथेनेमीन से निम्नलिखित में होने वाली अभिक्रिया का संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। एथेनेमीन से दोस्तों होने वाली यहाँ पे जो अभिक्रिया होगी उसका संतुलित आपको समीकरण लिखना है। तो यहाँ पे फर्स्ट है Na+ तनु HCl और यहाँ पे एथेनेमीन से होने वाली संतुलित समीकरण लिखिए। दोस्तों पहला जो है आपका Na+ तनु HCl है और दोस्तों दूसरा जो है आपका यहाँ पे हिंसबर्ग अभिक्रिया। तो चलिए पहले को हम यहाँ पे दोस्तों लिख लेते हैं। तो पहला जो हो जाएगा दोस्तों वो यहाँ पे लिखना है आपको। तो अभिक्रिया होने पे दोस्तों क्या होता है, तो यहाँ पे C2H5NH2, ये दोस्तों पहले वाले का आंसर है C2H, ये दोस्तों एथेनेमीन का जो है फॉर्मूला है। इसकी दोस्तों क्रिया जब होती है HCN की उपस्थिति में, HCl की दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक एसिड की उपस्थिति में, तो दोस्तों यहाँ पे क्या होता है NaN2 जो है रिमूव हो जाता है, NaNO2 रिमूव हो जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों आपका बनता क्या है C2H5N2 पॉजिटिव और Cl दोस्तों माइनस चार्ज हो जाता है। फिर दोस्तों उसके बाद आपको H2O की अभिक्रिया, H2O की उपस्थिति में दोस्तों इसको जो है अभिक्रिया को करवाना है। तो फिर आपका दोस्तों यहाँ पे C2H5OH जो है बन जाता है एथेनॉल की, दोस्तों यही आपका एथिल अल्कोहल का फार्मूला होता है
इसको एथेनॉल भी बोलते हैं दोस्तों। तो यही दोस्तों आपका एथेनॉल यही फार्मूलेट हो जाता है। एंड नेक्स्ट चलिए दोस्तों, अब यहाँ पे हिंसबर्ग अभिक्रिया वाला है तो उसको भी देख लेते हैं। तो हिंसबर्ग अभिक्रिया में दोस्तों जो आपका यहाँ पे केमिकल रिएक्शन बनेगा वो ये बनेगा दोस्तों। सबसे पहले आपको यहाँ पे रिंग बनाना होगा, तो यहाँ से दोस्तों रिंग बना लेते हैं। ये बेंजीन रिंग हो गया दोस्तों। उसके बाद यहाँ से एसिटेट है, फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पर सीएल है। सीएल से दोस्तों यहाँ पर फिर एस से डबल बॉन्ड होके ओ है, और फिर डबल बॉन्ड होके यहाँ पर दोस्तों ओ है। फिर यहाँ पर दोस्तों आपको क्रिया करवाना है किससे, तो एच एन, उसके बाद दोस्तों फिर यहाँ से एन, उसके बाद सी टू एच फाइव। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे क्रिया करवाते हैं, इसको आप इतना लिख लीजिए। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पे फिर मैं आपको जो आपका फाइनल प्रोडक्ट बनेगा उसको बता देता हूँ। दोस्तों यहाँ पे क्रिया करवाने के बाद आपको यहाँ पे मिलने वाला है, यहाँ पे दोस्तों बेंजीन रिंग बनाते हैं हम। तो यहाँ से कुछ इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे बेंजीन रिंग मैंने बना लिया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ से यस डबल बॉन्ड ओ, उसके बाद डबल बॉन्ड ओ, फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ से सिंगल बॉन्ड एन एच, और फिर दोस्तों यहाँ से सी टू एच फाइव। ये दोस्तों फार्मूला है एन एथिल बेंजीन सल्फोनामाइड का। यहाँ से दोस्तों आपका एच सी एल निकल जाएगा बाहर, यहाँ से एच सी एल। तो ये रहा कुछ दोस्तों आपका फार्मूला एन, यहाँ से लिख देता हूँ मैं एन एथिल बेंजीन। एक सेकेंड गाइस, यहाँ से क्या क्या टच हो जा रहा है समझ में नहीं आ रहा है। एन एथिल, एक सेकेंड गाइस, एन एथिल, और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एथिल बेंजीन, एथिल बेंजीन, और दोस्तों सल्फेनामाइड। तो यहाँ से चलिए इसको काट ही देते हैं दोस्तों, लिख देता हूँ मैं एन एथिल बेंजीन। तो ये रहा दोस्तों कुछ इसका नाम। जब आप इसका हिंसबर्ग अभिकर्मक से दोस्तों आप इसको जो है रिएक्ट करवाते हैं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, जो कि आपको करना ही नहीं है। तो यहाँ से दोस्तों छठवें का अबखा पे चलते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको करनी ही नहीं है। तो चलिए यहाँ से दोस्तों नेक्स्ट है कि डी ग्लूकोज की संरचना सूत्र तथा यूपीएससी नाम लिखी कैसे सिद्ध करो कि ग्लूकोज के अणु में एल्डिहाइड समूह उपस्थित है। दोस्तों ये क्वेश्चन पिछले बार भी पूछा गया था, पिछले वाले सेट में भी डी ग्लूकोज और डी फ्रक्टोज की दोस्तों आपको संरचना। तो ये दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको बिल्कुल भी एकदम इंपॉर्टेंट कर ही लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों ये ज़रूर पूछा जा सकता है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 5 नंबर का यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि डी ग्लूकोज का दोस्तों आपको संरचना सूत्र एवं आईयूपीएसी नाम लिखना है। तो यहाँ पे चलिए मैं बता देता हूँ आपका इसका आईयूपीएसी नाम क्या होगा। तो दोस्तों आईयूपीएसी नाम जो होगा इसका होगा 2-3-4-6 पेंटा, दोस्तों पेंटा हाइड्राक्सी हेक्सेनल। तो दोस्तों ये इसका जो है आई यू पी एक नेम हो जाएगा। एंड आपको जो है इन सारी चीज़ों को जो अब इसके बाद जो नीचे हैं आपको जो है बुक से जो है खोज के लिख लेना है। उसके बाद दोस्तों या फिर आप इसके आई यू पी एस नाम को लिखिए, या फिर शॉर्टकट में आपको यहाँ पे 3 चीज़ें फटाफट से लिख लेनी है 20-30 शब्द में। तो है कि प्रोटीन का विक्रीकरण, ज्यूटेरायन, प्रोटीन का उपयोग। दोस्तों ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है, तीनों ये पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। तो आप देख सकते हैं 5 नंबर इसके लिए अलाट है। एंड 5 नंबर का दोस्तों मतलब होता है 1% आपका इंक्रीज हो जाएगा इससे। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं दोस्तों। तो है कि बेंजल्डिहाइड का संरचना सूत्र लिखिए, बेंजल्डिहाइड पर आपको यहाँ पर जो है टिप्पणी लिखनी है। तो दोस्तों आपको सिंपली जो है खोज करके लिख लेना है सारी चीज़ों को। पहला है कि NH2, दूसरा है टैलेन अभिकर्मक तथा NaOH की अभिक्रिया का जो है आपको रासायनिक समीकरण लिखना है। या फिर दोस्तों क्या करना है आपको एसिटाल्डिहाइड का आईयूपीएसी नाम लिखना है, इसकी जो है इन सभी के साथ जो है इन सभी के साथ या जैसे कि NaHSO3 के साथ रिएक्शन होता है, या फिर NaOH के साथ, या फिर NH2NH2, या फिर दोस्तों SCN से अभिक्रिया कराने पर क्या होता है, तो इसको जो है आपको लिखना है। उसके बाद दोस्तों क्या है
सातवें का ख वाला जो है कि क्लोरोबेंजीन का क्लोरीन परमाणु क्लोरोथेन के क्लोरीन परमाणु की तुलना में कम क्रियाशील होता है। क्यों? क्लोरोबेंजीन की क्लोरीन तथा सांद्र एस्ट्रुएंस होने वाली अभिक्रियाओं का रासायनिक समीकरण लिखना है। उसके बाद चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं, तो है कि निम्नलिखित पर संक्षिप्त आपको दोस्तों टिप्पणी लिखना है कि हैलोवेरिन में इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया या फिर वुड्स फिटिंग अभिक्रिया या फिर ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के उपयोग। तो दोस्तों इन सभी को आपको लिखना है एंड इसके लिए दोस्तों आपको 5 नंबर यहाँ पे मिलने वाला है। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। जिन भी क्वेश्चन को आपको जो है आंसर चाहिए आप कमेंट करिए एंड मेंशन कर दीजिए कि आपको इस वाले क्वेश्चन के दोस्तों आंसर चाहिए, तो हम दोस्तों टेलीग्राम चैनल पे आपको हैंड रिटन सॉल्यूशन के साथ वहाँ पे PDF पोस्ट कर देंगे, तो आप वहाँ से आराम से देख सकते हैं। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा दोस्तों के साथ जो भी तैयारी कर रहे हैं 2024 की दोस्तों तैयारी में जुटे हुए हैं, तो उनको शेयर करिएगा ये वीडियो। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।